हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लीजिए, आपके सामने सबूतों के साथ प्रस्तुत हुए हैं कि इस बार सीडीएस के सेकंड इंटेक में किस तरीके से सीडीएस के शेयरों ने जलवा बिखेरा और आए हुए प्रश्न आपसे कहां कहां से पूछे गए। इसी तरीके से आगे भी आपके भाई बहन, मित्र, सखा इत्यादि भी जलवा बिखेरते रहें, उसके लिए भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे भी जलवा बिखेर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट का सीडीएस में इस बार पेपर क्लियर हो रहा है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका किसी कारणवश कोई कमजोरी रह गई, कोई वीकनेस रह गई, तो पेपर में कट ऑफ पार ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं या आप उस लायक नहीं हैं। बस अपनी उन कमजोरी और वीकनेसेस को पकड़िए और कई बार ताला आखिरी चाबी से भी खुलता है ना। तो चलिए बताते हैं, बढ़ते हैं अपने सीडीएस के जीके जीएस के पेपर को कहां से छापा, कंप्लीट स्क्रीनशॉट के साथ। सबसे पहले जो मैंने कहा था कि अगली बार जो आपके भाई बहन है या आपके अंदर जो भी वीकनेस रह गई उसे कैसे दूर कर सकते हैं, तो अपना शौर्य बैच आने वाला है। एनडीए सीडीएस एफकेट फाउंडेशन एसएसबी का डेडिकेटेड बैच है, जिसका अनाउंसमेंट 18 तारीख को है दोपहर में 12 बजे। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और देखिए कि अगली बार क्या जलवा होगा। बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें देखिएगा सबसे पहले वैलियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आपको दिया गया है सर, चन्हूपारा दिया गया है, जेमू दिया गया है, गैसवन आपको दिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं हिमालय के बारे में बता रहा था, ग्लेशियर्स के बारे में बता रहा था, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई थी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीएस है, यूपीएससी है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो सीधे तो आपको कभी भी नहीं देगा वो इंटेलेक्चुअल या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा कर देगा। तो अगर आप ये क्लास देखे होंगे हिमालय वाली, माउंटेन ऑफ इंडिया वाली, तो वहां से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रिवर्स के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है ना। अगर हम बात करें तो ये देखिए, बराक नदी, मेघना नदी, मेघालय, ये पूरा का पूरा, अगर ये मैप को आपने देखा होगा, बराक नदी है, मेघना नदी हमारे पास देखने को मिलती है। गग्गर नदी के बारे में ये पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया। मानस, और इम्पोर्टेंट ये मानस नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्री नदी के बारे में, पूर्थिमती नदी के बारे में पूरा का पूरा। और इसी के कारण मैंने आपसे बार बार पे कहा था कि ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका मैप ही होता है। आपने कई बार बोला था कि सर इतने मैप कैसे कर पाएंगे, मैंने कहा बेटा मैप से ही प्रश्न बना पाओगे और सबूत आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला हमारे पास क्या बोला गया है, बोला सर क्यूमुलिंबस क्लाउड के बारे में बोला गया है। ये रहा क्यूमुलिंबस क्लाउड हमारे पास पूरा का पूरा, कैसे होता है, क्या डेवलप होता है, फिगर के जरिए बाकायदा डिटेल में हमारे पास बताया गया था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो, अच्छा ये बीच बीच में जो नंबरिंग आप देख रहे हो कि सर दूसरे के बाद तीसरी कहाँ गई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन करेंट का था, करेंट ज्योग्राफी का था, है ना, तो बीएस सर ने आपको आपकी क्लास में कराया है ना। चौथा नंबर हमारे पास अगर हम बात करें तो क्लाउड से है, अच्छा इसके बाद पांचवा छठवा करंट से था, सातवा किसके बारे में सर, हमारे पास इरोजन की कॉमनली प्रोसेस एसोसिएटेड विद द मास वेस्टिंग, यानी इरोजन के बारे में है ना। या फिर अगर हम बात करें तो किसके बारे में सर, अपरदन के बारे में है, मिट्टियों का अपरदन किस तरीके से होता है। तो जब मैंने मिट्टियों का कराया था, अपक्षय, अपरदन, स्थानांतरण, सारी चीजें यहां पर कराई थी, इरोजन, वेदरिंग की प्रोसेस कराई थी, मिट्टियों को किसने आधार पर डिवाइड किया जाता है, वर्ल्ड की ओवरऑल मिट्टियां कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं, ये पूरा डिटेल में आपको कराया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, हेडली सेल के बारे में बताया गया। ये देखिए हेडली सेल, फेरल सेल, पोरल, पोलर सेल, सब यहां पर आपको डिटेल में बताया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ओशनिक करंट के बारे में बताया गया है, इक्वेटोरियल करंट के बारे में, ये देखिए पूरा का पूरा यहां पर है, ओशनिक करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, यहां पर बाकायदा डिटेल में दिया गया। अब जैसे कि यहां पर हमारे पास दे दिया गया है कि क्या है, इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर, जबकि इक्वेटोरियल करंट तो हॉट वाटर को मूव करती है, और मैंने बार बार पे बोला था कि इक्वेटर हॉट
पोल कोल्ड, इक्वेटर हॉट पोल कोल्ड, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, सर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे, ये देखो सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो फर्स्ट थ्री में क्या आ जाएगा, एमपी, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तो सर पांचवें नंबर पर आता है उड़ीसा के भी बाद। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है सर वेदर मैप के बारे में बोला गया है, किसके बारे में सर, वेदर के बारे में, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। ये देखिए प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर है ना इंडिया की ओर हवाएं चलती हैं, बाकायदा पूरा का पूरा यहां से आप इसे लगा सकते थे। अगला सर किसके बारे में, केमिकल वेदरिंग, वेदरिंग की प्रोसेस पूरी की पूरी बताई थी, मैकेनिकल केमिकल ये सारी चीजें तो यहां से आप कवर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल्केनिक के बारे में, वॉल्केनो के बारे में सर क्या बोला गया, आर्क आकार का वॉल्केनो, मैंने दोनों बताया आर्क आकार में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप के बारे में बताया था, इसके साथ साथ मैंने कनाडियन शील्ड इत्यादि के बारे में भी यहां पर बताया था, और प्लेटों के मूवमेंट से पूरा का पूरा यहां पर आपको क्वेश्चन करवाया मैंने, है ना, तीव्रता के आधार पर वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, सारी की सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। हाँ ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टॉपिक से, टॉपिक इंटरलिंक है यहां पर, ठीक। कॉन्टिनेंटल यानी डाइवर्जेंस प्लेट का क्वेश्चन दे दिया गया है, कौन किसका दे दिया गया है, हमारे पास वॉल्केनो का क्वेश्चन दे दिया गया है, और मैंने जब प्लेट मूवमेंट पढ़ाया था तो ये पूरा डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस प्लेट के बारे में बताया था, यहाँ डाइवर्जेंस दे दिया गया है जबकि मैंने क्या बोला था, कन्वर्जेंस प्लेट पर वॉल्केनो निकलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एस वेव, पी वेव, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी से संबंधित, वॉल्केनो से किससे कहा जा सकता है, भूकंप से संबंधित, सॉरी ज्वालामुखी बोल दिया, भूकंप से संबंधित यहां पर पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में ये कराया था कि सर भूकंप हमारे पास कैसे आते हैं, कौन कौन सी वेव होती है, शेडो रीजन हमारे पास कौन सा देखने को मिलता है, फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें यहां पर कराई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, गंगा बेसिन से रिलेटेड है, गंगा बेसिन हमारे पास ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा बेसिन से रिलेटेड है, टोटल हमारे पास स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से चालू हो जाती है और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल तक हमारे पास स्टेट्स कवर होती हैं। अब बेसिन में कई बार बच्चों ने क्या नहीं किया है सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बच्चे ने क्या है सर, कई बार कई जगहों पर बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, जबकि मैंने बेसिन को बताया था आपको कि सर एक मेन रिवर होती है और एक उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, तो हिमाचल प्रदेश की ट्रिब्यूटरीज गंगा में आकर मिलती है, तो वो गंगा बेसिन का हिस्सा ही हमारे पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेनिनसुला इंडिया की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, काबिनी के बारे में, ये देखो ये रही काबिनी, और ये किसका है, कावेरी का है कि नहीं है, कावेरी बेसिन का, काविनी कावेरी बेसिन, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्या है, बाजरा के बारे में, तो मैंने रेगुर मिट्टी के बारे में, केशकत्व की क्रिया, खरीफ की क्रिया, खरीफ की फसल के बारे में बताया था, बाजरा है, उड़द है, तुअर है, ये सारी चीजें यहां पर बताई थी, है ना। इसके अलावा मैं यहां पर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल के बारे में, तो यहां से आप आराम से कर सकते थे ब्लैक सॉइल वाला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या है सर, पीक सिचुएटेड इन इंडिया, देखिए ये पूरा का पूरा इंडिया की पीक है, यानी हिमालय की पीक दी गई है, कहां कहां पर कौन कौन सी देखने को मिलती है, ये बाकायदा लिखा हुआ है, यहां से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास क्या दिया गया है सर, रॉस माउंटेन के बारे में तो बोला गया है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में, तो इसको अगर आप करते तो इसको क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक से करने के साथ साथ आप क्या कर सकते थे सर, ये जो ओशनोग्राफी वाला टॉपिक है वहां से आप इसे आसानी से कवर कर सकते थे। ये रॉस सी, रॉस आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था सदर्न पोल के टाइम पर, ठीक, या मार्क भी किया है रॉस सी के टाइम पर, है ना। चलिए अगला चलते हैं सर, वेदांत दर्शन के बारे में, दर्शनों के बारे में मैंने आपको जो प्रैक्टिस की क्लास कराई थी वहां पर पूरा का पूरा लिख कर दिया, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, और ट्रिक भी बताई थी इनकी कि कैसे याद कर सकते हो, शंकर अद्वैत है तो अद्वैतवाद है, माधव देखने में तो दो लगते हैं राधा और कृष्ण लेकिन है एक ही, तो मध्वाचार्य द्वैतवाद दे दिए, नींबू को दबा दबा कर करते हैं तो द्वैताद्वैतवाद, बल्लभ शुद्ध है सीधे साधे बलराम, तो यहां से आप आराम से कर सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला सर ऋग्वेद में कौन सी टर्म यूज हुई है फसल के लिए, तो ये देखिए ऋग्वेद में यव शब्द का उपयोग कृषि उद्योग के लिए, ये देखो ये रहा जौ, यव, यव यहां से आप आसानी से कर सकते थे यव को, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अगला क्या है सर, राजा राम मोहन राय के बारे में है, ये बाकायदा ये मिरातुल अथवार, परसेप्ट ऑफ जीसस, प्रज्ञा चांद, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर आपको कराई थी, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, प्रधानमंत्री के बारे में है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में है, ये शिवाजी राजे का पूरा मैंने आपको कराया था अष्ट प्रधान,
आमात्य के बारे में मैंने कराया था, अष्ट प्रधान के बारे में कराया था, है ना, टेक्निक्स के बारे में बताया था, सारी की सारी चीजें यहां से आप आराम से शिवाजी राजे की क्लास से कर सकते थे। ठीक, अगला सर मेघालैथिक एज से, मेघालैथिक एज में मैंने भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बताया था, नर्मदा घाटी है, आदमगढ़ है, चेन्नई का अतरमपक्करम है ना, उत्तर भारत की शिवालिक पहाड़ियां, सोन घाटी, पुरापाषाण, ये सारी की सारी चीजें यहां से आप कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लॉयन कैपिटल के बारे में, लॉयन कैपिटल सारनाथ, ये देखिए, ये मैंने बाकायदा फिगर दिया, तो मैंने कहा था कि बेटा ये फिगर मैं ऐसे ही लेकर नहीं आ रहा हूं क्लास में, बोला था मैंने कि इन पे भी फोकस कीजिए, है ना। तो देखिए ये फिगर से सीधा सीधा अगर इस फिगर को आप देखोगे सारनाथ वाले को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिगर से है, जैसे द शाफ्ट ऑफ द टेल टेपरिंग कॉलम, बिल्कुल सही है ना। अगला है एपिलेप्टिक टॉप एबक्यूस डिवाइडेड द एनी कर्विंग, बिल्कुल सही है। ठीक, ओवर फ्लोइंग इनवर्टेड प्लेट बिलो द एबक्यूस, बिल्कुल सही, यहां से आप आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास किसके बारे में है, इन इवेंट्स को क्या करना है सर, मैनेज करना है, किसके बाद कौन सा आया है, तो ये देखिएगा लखनऊ पैक्ट के बारे में, ये पूरा कांग्रेस के अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक, क्रिप्स मिशन के बारे में है, नेवल म्यूटिनी के बारे में, ये हमारे पास नेवल रिवॉल्ट हुआ था, पूरा का पूरा यहां से आप कवर कर सकते थे, है ना। ये नेवल रिवॉल्ट हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बताया, यहां से कर सकते थे आराम से, है ना। अगला हमारे पास क्या है सर, एंशियंट हिंदू इमेजेस के बारे में हमारे पास बोला गया है, तो एंशियंट हिंदू इमेजेस की टेक्निक में मैंने बाकायदा यहां से करवाया था कि सर नटराज की प्रतिमाएं हैं, छह हाथ, चार हाथ हमें देखने को मिलते हैं, पूरा नटराज को मैंने एक्सप्लेन किया था और बोला था कि चोल काल की जो हिंदू चोला पीरियड की जो हमारे पास टेक्निक्स है किसकी मूर्ति कला की, उससे ज्यादा टेक्निक कहीं भी भारत में नहीं देखने को मिली है, यहां से आप कर सकते थे। अगला संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बाकायदा बताया था, ड्राफ्ट हमारे पास यहाँ है और ड्राफ्टिंग कमेटी ने आर्टिकल नंबर फर्स्ट दिया था यूनियन ऑफ स्टेट, तो क्या है यूनियन ऑफ स्टेट भी बाबा साहब अम्बेडकर, यहां से कनेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बोले मौर्यन प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये पूरे के पूरे 18 मंत्रियों को मैंने यहां पर आपको बताया था, किसका कौन कौन सा विभाग हमें देखने को मिलता है पूरा बताया था, यहां से आप इसको जोड़ सकते थे। अगला हमारे पास क्या देखने को मिलता है सर, जब 1857 की क्रांति बता रहा था और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता रहा था, तो उस टाइम पे अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था और कहा था कि ये तो एक दिन हमारे मुंह में गिर ही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अगला हमारे पास क्या है सर, सेंसस से रिलेटेड है, ये डेडिकेटेड सेंसस का पूरा जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई है पहली बार, 1881 में हर 10 साल बाद होती है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है सर, स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के बारे में बताया गया है ना, वायसराय वेलिंगटन के बारे में यहां पर देखने को मिलता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में, यानी गांधीयन एरा का क्वेश्चन है ये, और गांधीयन एरा जिसने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से वो आराम से लगाकर आ सकता था। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला क्या है सर, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बारे में यहां पर देखने को मिलता है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद हमारे पास अनुशंसा देखिएगा, पूरा का पूरा संविधान किसने लिखा, कैसे लिखा, किसने चित्रकारी की, ये पूरा का पूरा डिटेल में मैंने यहां पर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, हमारे पास ओजोन हॉल के बारे में यहीं पर मैंने बताया था, डोप्सन यूनिट के बारे में आपको बताया था कि सर अंटार्कटिका पर हमारे पास ओजोन हॉल का क्रिएशन हो गया था, है ना, तो यहां से आप कर सकते थे। अगला हमारे पास फ्लैग कोड के बारे में हमारे पास देखने को मिलता है, फ्लैग कोड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे, भारतीय ध्वज के बारे में बताया था जब प्रैक्टिस की क्लास करा था, प्रतीक चिन्हों को बाकायदा पूरा का पूरा एक क्लास के जरिए एक्सप्लेन किया था मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, अगला किसके बारे में सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है, इकोनॉमी की क्लास में अगर आप जाओगे और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएनओ के जरिए दिए गए अगर इन्हें पढ़े थे, तो यहां से आप आराम से इसको कर आ सकते थे। अगला क्वेश्चन अगले के बारे में चले, तो किसके बारे में, लीगल सिस्टम, जब आप जाओगे संविधान के अंगों के बारे में मैंने जब बताया, कानूनों के बारे में बताया, कोर्ट के बारे में यहां पर बताया, और डेडिकेटेड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्लासेस ली थी, अगर उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आपने देखा, इस क्वेश्चन को फोड़ कर आ सकते थे, हलवा क्वेश्चन था। अगले पर चलते हैं, अगला क्या है सर, किसके बारे में सर, भूदान आंदोलन के बारे में, विनोबा भावे के बारे में, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, यहां से आप इसको आराम से कर सकते थे, यहां पर मैंने भूदान आंदोलन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें,
हाँ, अगला अगर हम बात करें तो किसके बारे में, क्रिमिनल सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड। जब हमारे पास यहाँ पर आईपीसी की स्थापना हुई थी, इंडियन पीनल कोड, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सर सिविल प्रोसीजर कोड हमें देखने को मिलता है, सीपीसी आरपीसी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या देखने को मिलता है सर, नॉट इज अ आर्टिकल कवर्ड आर्टिकल 371 जीएल, 371 महायज्ञ का क्वेश्चन है या सेवंथ नंबर के अंतिम वार का क्वेश्चन है। 371 में मैंने आपको बताया था कि 371 ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, 371 ए के बारे में, ए में नागालैंड, बी में मणिपुर, सी बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ई में हमारे पास देखने को मिलता है, एफ में क्या है, सिक्किम है, जी में अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बताया। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, हमारे पास किसके बारे में बोला गया है सर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में बोला गया है। लोकसभा बड़ी डिटेल में पढ़ाई है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, संसद, बड़ी डिटेल में मैंने आपको कराया यहाँ पर। अगला चलते हैं सर, किसके बारे में बोला गया है सर, प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, बायोलॉजी की क्लास अगर ली होगी, ये क्वेश्चन मैंने बताया और इसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको नोट्स में मैंने अपलोड किया था, मेन कंपोनेंट कौन से हैं, गौण कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं, तो यहां से आप आराम से जाकर कर सकते थे। ठीक, यहां पर आपको मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है सर, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जाइलम फ्लोएम का पूरा मैंने डिटेल में बताया था, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कैसे खाना मतलब पोषक तत्व तो जमीन से पौधों में ऊपर जाते हैं यानी जाइलम, और उसके बाद फ्लोएम के जरिए क्या होता है, वापस आते हैं, ये पूरे की पूरी चीज़ें यहाँ पर कराई। अगला क्या बोला गया है सर, इनहेबिटेट यानी कि एस्कैरबिक एसिड के बारे में बोला गया है। तो ये जब हम क्या कर रहे थे सर, ये जब हम प्लांट सेल के बारे में कर रहे थे, तो प्लांट सेल के बारे में हमारे पास देखने को मिलता है पूरे हार्मोन्स, इसके डिटेल में मैंने आपको कराए थे, पूरा का पूरा कोशिकांग डेवलप किए थे और हार्मोन्स के बारे में बताया था। ये हमारे पास एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी, एक क्लास एप्लीकेशन पर हुई थी, बायोलॉजी की क्लास, उसके में यहाँ पर ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास का है सर, स्टार्च में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है ना, मैंने ये भी बताया कि भोजन में स्वाद आता है स्टार्च से, ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट, ब्रायोफाइट, सबके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्या देखना होता है, हेलोफाइट के बारे में, इसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगला सर किसके बारे में है सर, नॉट अ पार्ट ऑफ विस्कुलर, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर बताए थे, बोला था कि सर वीक्यूल्स हमारे पास किस में डेवलप देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में, ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलते हैं, और उसको बारे में मैंने यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन के जरिए भी, जाइलम कंसिस्ट द टेरिडाए, वीक्यूल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फायर, यहाँ से आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते थे अगर कनेक्ट करना चाहते। अगला सर लाइसोसोम का पूरा एनिमल स्ट्रक्चर में मैंने आपको पूरे के पूरे कोशिकांग के बारे में बताया था, जिसमें लाइसोसोम का भी मैंने वर्क बताया था, हर कोशिकांग का, माइटोकॉन्ड्रिया का, सेंट्रियोल का, वेकल्स का, न्यूक्लियस का, माइक्रोविली का, लाइसोसोम का, इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एक चीज को डिवाइड करके बोला है मैंने, एक एक चीज को डिवाइड करके बताया है। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो हमने यहां पर क्या किया था सर, किसके बारे में पूछा गया है सर, ग्रीन पिगमेंट के कारण, ये देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, गैसीय उत्पाद निकलता है, स्टोमेटा, ग्रीन पिगमेंट, ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताई गई थी है ना, अपन लोगों ने यहां पर किया था। अगला क्या है सर, किसके बारे में सर, ये डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, और डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चन के आधार पर अगर आप यहां से इकोनॉमी की पहली क्लास ही थी जिससे कनेक्ट करते तो आराम से इसे करके आ सकते थे, कंज्यूमर मार्केट, खरीदा बेचा, आर्थिक विक्रियां, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान सस्टेनेबल, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्या है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेल में है, गुड सर्विस है, कैपिटल अकाउंट है, तो पूछा क्या है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में कौन सा नहीं है, कैपिटल अकाउंट में सर इनविजिबल अदृश्य मद करेंट अकाउंट में होती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेस के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्टेट को नहीं रिकमेंड करते हैं, स्टेट को नहीं बांटना पड़ता है, और ये देखिए सेस से होने वाली प्राप्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं, राज्यों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सरचार्ज और सेस सेंट्रल के पास रहते हैं, खत्म बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसके बारे में है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ये देखिए पूरा का पूरा HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सारा यहाँ पर एक एक पॉइंट बताया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल इंडेक्स है, पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया था।
इकोनॉमी क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्या है, रंगराजन कमेटी। ये पूरी रंगराजन कमेटी को एक्सप्लेन किया गया था, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट क्या है, क्या मुख्य बातें हैं इस कमेटी की, ये सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन की गई, आराम से यहां से आप कवर कर सकते थे। ठीक, तो इसी के साथ ये आपके सामने, कोई ऐसा प्रूफ देने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैंने ये वीडियो केवल आपको इसीलिए बनाया है, इसीलिए डाल रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं और कहां कहां से उसे कनेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, पता है, लेकिन हम उसे कॉन्सेप्ट से या प्रैक्टिस से कनेक्ट नहीं कर पाए। और ये जो गलती हमारे अंदर रही, उस गलती को हम दूर कर सकते हैं अगले बैच में, जिसमें कि अगला बैच हमारे पास कौन सा आने वाला है, शौर्य बैच आने वाला है, डेडिकेटेड एनडीए सीडीएस एफकेट ऑफ फाउंडेशन के लिए, जिसका अनाउंसमेंट 18 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा 12 बजे लाइव। तो बिल्कुल, एक बार असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, असफलता का तात्पर्य केवल यही होता है कि सर सफलता के लिए किए गए प्रयास में कोई ना कोई कमी रह गई। तो अगली बार जुड़िए जहर लेवल पर, धमाकेदार लेवल पर, और फोड़कर निकालिएगा। ठीक, इसके साथ साथ आज की कक्षा यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं 18 तारीख को दोपहर में 12 बजे। कमिटमेंट जरूर चाहूंगा कि सर फोड़ के रख देंगे, है ना। तो बिल्कुल दोपहर में 12 बजे मिलने के कमिटमेंट के साथ 18 तारीख को लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।